लेकिन उसके बाद अब कुछ फॉल बैक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष, आपने तमाम सभी टेलीकॉम कंपनियों के चार्ट्स को देखा हुआ है, अगर किसी भी टेलीकॉम कंपनी की में पोजीशन बनाई जाए तो आप किसके चार्ट ज्यादा बेहतर मानते हैं? मैं अगर टाटा कम्युनिकेशन की तरफ देखता हूँ तो हाँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा स्टॉक दिखता है अगर कंपेयर करें मैं आइडिया और भारती एयरटेल से। टाटा कम्युनिकेशन का जो चार्ट है वो मीडियम टर्म चार्ट पर, मतलब मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये अप फ्लैग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक 320 के ऊपर हमें क्लोज देता है तो इसमें एक बहुत ही बड़ा उछाल आने की संभावना है, और मैं इसका टारगेट उस वक्त अगर देखता हूँ तो वो करीबन 375 का टारगेट रहेगा मेरा। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका 320 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है टाटा कम्युनिकेशन, जी तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा, और उसके लिए स्टॉप लॉस भी रिकमेंड करना चाहूंगा 280 रुपीज़ उस वक्त। तो 320 के ऊपर भारती में कुछ अच्छा मूव रह सकता है।